पूजनीय शिक्षकगण आदरणीय व सम्माननीय अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज हम सब यहाँ 69वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं प्रसन्न हूँ कि मुझे आप सभी के सम्मुख इस शुभ अवसर पर कुछ पंक्तियाँ व्यक्त करने का मौका दिया गया है। स्वाधीनता यानी अपने आप के अधीन एक ऐसा शब्द जो हर कोई समझ सकता है, चाहे वह हम इंसान हो या पशु पक्षी। जैसे कि हमें किसी के अधीन रहना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही पशु पक्षी को पिंजरा पसंद नहीं होता है, क्योंकि हर कोई आजाद रहना चाहता है। हमारे देश की दुर्बलता और अनेकता के कारण पहले मुगलों ने हम पर राज किया, फिर अंग्रेजों ने आकर हमारे ही धरती पर हमें ही गुलाम बना दिया। अपना साम्राज्य ऐसे चलाया कि हमें बोलने, चलने, खाने, यहाँ तक कि पानी पीने का भी अधिकार ना था। फूट डालो, शासन करो नीति को अपना कर अंग्रेजों ने हमारे ही भाइयों से हमें लड़ा दिया। हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाकर खुद राज करते रहे। असहनीय कष्ट के कारण हमारे देश के वीर बहादुरों और वीरांगनाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, कई जाने गई। और इस दौरान हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने अहिंसा की लाठी उठाई, जिसमें आवाज ना थी और अनेक कठिनाइयों से गुजर कर अंत में 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और हमारे देश ने पराधीनता से स्वाधीनता की ओर अपना पहला कदम उठाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और लाल किले में भारत का राष्ट्रीय झंडा लहराया। अब हम सब स्वाधीन भारत के उज्जवल वर्ष हैं। हमारे ही नाजुक कंधों को उन्नति की शिखर की चोटी में भारत को ले जाना है। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उन स्वतंत्रता संग्रामियों को होगी, जिन्होंने अपने प्राण देकर हमें आजाद भारत दिया। हमारे देश के अनेकता में एकता।